हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बजट फ्रेंडली बेस्ट ट्रैकिंग शूज को अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। यदि आप एक ट्रैकर है तो, ट्रैवलर है तो, ट्रैवलिंग व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो, आप ट्रैकिंग करते वक्त, हाइकिंग करते वक्त, पहाड़ों को चढ़ते वक्त ट्रैकिंग शूज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बजट फ्रेंडली बेस्ट ट्रैकिंग, हाइकिंग और वॉकिंग शूज़ को अनबॉक्सिंग करके डिटेल में रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में अपने वीडियोस को बेहतरीन क्वालिटी में एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके हर तरह के वीडियोस को बेहतरीन क्वालिटी में एडिट करना सीख सकते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें, या तो आप roaringfilmschool.com को विजिट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन शूज़ को अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके साथ इस तरह से बॉक्स आता है, देखिए बॉक्स के ऊपर धोनी जी का एक फ़ोटो भी है। ये शूज़ है दोस्तों एशियन मेंस एवरेस्ट 2-1। ये ट्रैकिंग, हाइकिंग और वॉकिंग के लिए शूज़ है। जैसे आप बॉक्स खोलेंगे ना दोस्तों, बॉक्स के अंदर आप शूज़ को देख सकते हैं, इस तरह से शूज़ है। इन शूज़ का वेट है दोस्तों 980 ग्राम्स। और आप इन शूज़ का क्वालिटी को भी देख सकते हैं दोस्तों, मैं फील कर रहा हूँ टच करके, वाकई में दोस्तों क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये शूज़ है दोस्तों ब्लैक कलर में, आपको चाहे तो आप अलग अलग कलर्स में भी परचेस कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन शूज़ को मैं मेरे लिए ट्रैकिंग के लिए परचेस किया हूँ। इन ट्रैकिंग शूज़ को पहनकर देखने से पहले हम ये ट्रैकिंग शूज़ और नॉर्मल शूज़ के बीच में क्या फ़र्क रहता है देखेंगे। ये शू है देखिए दोस्तों, ये एशियन का नॉर्मल शू है और ये शू है ट्रैकिंग शू। ट्रैकिंग शू में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ टंग वगैरह थोड़ा हाइट पर रहते हैं, इधर देखिए। और आप आउट सोल देखिए, नॉर्मल शूज़ में आउट सोल में ग्रिप्स रहते हैं ना, कम रहते हैं। देखिए इनका जो भी डेंसिटी रहता है ना, कम रहता है और ये नॉर्मल क्वालिटी का रहता है। और ट्रैकिंग शूज़ में आप आउट सोल देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ग्रिपफुल रहता है और रबर का रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और आप साइड देखिए, यहाँ ट्रैकिंग शूज़ में व्रिंकल सपोर्ट है और नॉर्मल शूज़ में व्रिंकल सपोर्ट नहीं मिलता। अब हम इन शूज़ को प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। थोड़ा नज़दीक से इनका एक ओवरव्यू देता हूँ। इन शूज़ का आउटसोल देखिए दोस्तों, वाकई में ही बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये भी पार्ट क्या है ना, शांक का, ये भी रबर का है। और आप इस साइड देखिए, लेसिंग हुक भी है। वाकई में दोस्तों एक ट्रैकिंग शूज़ में क्या क्या रहना चाहिए ना, सब कुछ इन शूज़ में है दोस्तों। अंदर का इनसोल का भी क्वालिटी अच्छा है। चलिए इनको पहन कर मैं आपको दिखाता हूँ। सो प्रैक्टिकली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं पहाड़ के ऊपर आके आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। हम कोई भी वीडियो हो ऊपर ऊपर से नहीं बनाते हैं। इस तरह से इन लेसिंग हुक से आप लेस को बांधना है। ट्रैवल लॉगर्स के लिए वगैरह दोस्तों बजट फ्रेंडली ट्रैकिंग शूज़ लेना ज़रूरी है। सो मैं क्यों बजट फ्रेंडली शूज़ को परचेस किया हूँ कि कोई हम टूरिस्ट प्लेसेस में वगैरह गए होते हैं ना, वहाँ हम शूज़ को छोड़ कर गया तो चोरी वगैरह हो गई तो फिर ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए ना। ओके, इन शूज़ को पहनने के बाद मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस तरह से है, काफ़ी कंफर्टेबल शूज़ है दोस्तों। और अंदर का फोम इतना एक अच्छा है ना, हम गद्दे के ऊपर बैठने के बाद फील होता है ना, उसी तरह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं गद्दे के ऊपर पैर रखा हूँ। काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों, साइड प्रोफाइल से देखे पहनने के बाद इस तरह से दिखते हैं। और यहाँ देखिए, फुल्ली व्रिंकल सपोर्ट है और नीचे का आप आउटसोल देख सकते हैं, एंटी स्किड आउटसोल है ये। यानी इस तरह से आप पत्थर को भी चढ़ रहे तो देखिए कितना ग्रिप है। चलिए हम प्रैक्टिकली ही ट्रैकिंग करके देखेंगे। कंफर्टेबल तो दोस्तों है, देखिए इधर इस प्रोफाइल को भी देखिए, मैं फुल्ली इनको बेंड करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर कर आ चुका हूँ। दोस्तों ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, देखिए अब फिलहाल मैं महाराष्ट्र में हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र में सह्याद्री में एक जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त खतरनाक पहाड़ और पोर्ट्स वगैरह है, इसी तरह रहते हैं। सो नीचे बेस पॉइंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल उधर एक भाई साहब खड़े है देखिए, वहाँ से इस तरह से ट्रैकिंग करते 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 ऊपर तक आना होता है। यहाँ से वहाँ तक ही ट्रैक करके आपको इन शूज़ का क्या क्वालिटी है दिखा दूँगा। चलिए
और ये ट्रैकिंग शूज़ को टेस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्ती प्लेस है। यहाँ बीच बीच में रॉक्स भी है और फिसलने जैसे, थोड़ा अभी अभी बारिश भी हो गई है ना, थोड़ा घास वगैरह अभी भी भीगी भीगी है, सब कुछ यहाँ पानी पानी है घास के ऊपर। मैं आराम से चल रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पत्थर के ऊपर भी फील अच्छा है, आप चलते फिरते भागते भी चढ़ सकते हैं। देखिए मैं आराम से फुल्ली कंफर्टेबली चढ़ रहा हूँ, कोई भी पैर फिसल नहीं रहा है। वैसा देखा जाए तो आपके लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। कई कई पहाड़ कैसा रहता है कि ये पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, फुल्ली 80 डिग्री ऐसा वर्टिकली रहते हैं, तब आपको इस तरह चढ़ना है तो भी देखिए किसी भी सपोर्ट के बिना भी मैं आराम से चढ़ा। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, ट्रैकिंग शूज़ आप किसी भी ब्रांड का तो लीजिए, आप पहाड़ को चढ़ते वक्त ट्रैकिंग शूज़ को ज़रूर यूज़ करें। नॉर्मल शूज़ में, चप्पल वगैरह में क्या होता है कि इस तरह के प्लेस में आप पैर रख दिया तो समझ लेना दोस्तों, आप ज़रूर फिसलेंगे और गिरेंगे और कुछ भी हो सकता है। मैं अभी एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, प्रोफेशनल ट्रैकिंग शूज़ रहते हैं ना दोस्तों, वे 5,000, 50,000, लाखों रुपीस तक मिलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ते रहते हैं, प्रोफेशनल्स है ना, वे उनके लिए रहते हैं। मैं नॉर्मल ट्रैवलर्स को और छोटे मोटे इस तरह के पहाड़ रहते हैं ना, देखिए इस तरह के छोटे मोटे पहाड़ है और आप कभी कभार ही ट्रैकिंग करते हैं तो इस तरह के बजट फ्रेंडली शूज़ को परचेस करके ट्रैकिंग कर सकते हैं। मुझे तो ये शूज़ पसंद आ चुके हैं। फिलहाल इन शूज़ का प्राइस है दोस्तों 1300 रुपीज़। इन शूज़ का एग्जैक्ट लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, चेक करें। अब मैं रनिंग करके इन शूज़ को देखने वाला हूँ। इन शूज़ का वेट है दोस्तों 980 ग्राम्स, रनिंग के लिए उतना सुटेबल नहीं है, फिर भी आप रनिंग कर सकते हैं इस तरह। रनिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हैं। और ये शूज़ है ना दोस्तों, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, फिर भी आप हल्के फुल्के बारिश में पानी में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पानी में यूज़ करते हैं ना, धूप में सुखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। ओवरऑल इन शूज़ का तो क्वालिटी मुझे अच्छा लगा है। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करना है तो ये नीचे का पार्ट है ना दोस्तों, आउटसोल का, ये तो ज़बरदस्त है, रबर का बिल्ड क्वालिटी है, ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आता है। और यहाँ से नीचे की तरफ क्या है ना, यहाँ से नीचे सब ये रबर का है, आप पानी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर का पार्ट पर ज़्यादा पानी लगा तो ये कपड़े का पार्ट है ना, ये फट सकता है, और कपड़ा है तो आप ज़्यादा रेगुलरली यूज़ किया तो कपड़े का क्वालिटी है तो ये थोड़ा घिसेगा, फटेगा और ख़राब भी हो सकते हैं। उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, सबका रिक्वायरमेंट अलग रहता है। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से ये शूज़ अच्छे हैं, बस मैं इतना कह सकता हूँ। और दोस्तों मैं पहाड़ों के ऊपर साल में ही 20-25 बार ही जाने वाला होता हूँ, उतना भी मैं ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह नहीं करता। जब मुझे कोई एक टूरिस्ट प्लेस पहाड़ के ऊपर रहता है, वहाँ ट्रैकिंग ही करना होता है ना, तब मैं इन शूज़ को यूज़ करूँगा। और इन शूज़ का एग्जैक्ट लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।